अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम हमना फ्रॉम मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। टुडे आई एम हेयर विद इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 1 विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। वी हैव कम्प्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, सो लेट स्टार्ट। इन एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी आवर डिक्टेशंस। सो फर्स्ट वर्ड इज अटेंड। अटेंड मीन्स शमूलियत, ब्रिलियंट शानदार, टॉस्ट फेंक देना, पायल ढेर, मैसी बिखरे हुए, रश्ड तेज़ी से, हरी जल्दी, मैगजीन रिसाला। ठीक है, ये अपने अपनी नोट्स कॉपी पर भी लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके आंसर क्वेश्चंस। वेयर वाज अरहम गोइंग, कह रहे अरहम कहाँ जा रही थी। अरहम वाज गोइंग टू वानियाज बर्थडे पार्टी, वो वानिया की सालगिरह की पार्टी या तकरीब पर जा रही थी। व्हाट प्रेजेंट डिड अरहम मेक फॉर वानिया, उसने उस वानिया के लिए क्या तोहफा बनाया था। अरहम मेड अ स्क्रैप बुक फिल्ड विद फ्लावर फॉर वानिया, उसने एक स्क्रैप बुक बनाई थी जो कि भरी हुई थी फूलों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड अरहम फाइंड हर पार्टी ड्रेस, उसने अपना पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस कैसे ढूंढा। अरहम फाउंड हर पार्टी ड्रेस आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है कोशिश, उसने काफ़ी कोशिश के बाद कह रहे हैं कि अपना पार्टी में जाने के लिए ड्रेस ढूंढा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है टॉस। टॉस मतलब मैंने बताया था यहाँ पे फेंक देना। शी टॉस्ड अ मैगजीन अवे फ्रॉम हर होम, उसने एक मैगजीन रसाला जो था वो अपने घर से बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट है प्रेजेंट। आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर वानिया, मैंने वानिया के लिए गिफ्ट खरीदा। मैसी बिखरा हुआ, ही वॉज अ मैसी, वो मैसी गंदे को भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रैप बुक स्टूडेंट परचेज्ड अ स्क्रैप बुक। क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। द बॉय इज क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, जो बॉय है वो कह रहा है फर्श पर रेंग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, इनको हमने फिल करना है। फर्स्ट वन है शी हर्ड दैट देयर वुड बी टेस्टी फूड, उसने सुना था कि वहाँ पे मज़ेदार खाना होगा। गेम्स एंड डिलीशियस चॉकलेट केक, गेम्स होंगी और मज़ेदार चॉकलेट केक होगा। ठीक है, यहाँ पे हम चॉकलेट लिखेंगे। और हम वॉन्टेड टू मेक अ स्क्रैप बुक फॉर वानिया एज हर बर्थडे प्रेजेंट। व्हेन अरहम वाज अबाउट टू पेस्ट द पिक्चर्स She realized that the glue was missing. ठीक है, glue जब वो pictures लगाने लगी उसे क्या पता चला कि उसके पास क्या नहीं है, glue. अरहम crawled on the floor to look for the other shoe. अब वो ज़मीन पर रेंग रही थी फर्श पर क्या करने के लिए, अपना दूसरा shoes ढूंढने के लिए। When अरहम reached वानिया's house, she was too late. जब उसके घर पर पहुंची वो बहुत देर हो चुकी थी तब। Next हमारे पास है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन है अरहम वाज गेटिंग फॉर बर्थडे पार्टी, गेटिंग रेडी फॉर बर्थडे पार्टी, वो किसके लिए तैयार हो रही थी, बर्थडे पार्टी के लिए। अरहम पेस्टेड द पिक्चर्स इन द स्क्रैप बुक विद, अब उसने स्क्रैप बुक पर पिक्चर्स किससे पेस्ट की थी, स्टिकी टेप के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे है शी फाउंड द अदर शू अंडर द, दूसरा शूज उसे कहाँ मिला था, अंडर द सोफा, सोफे के नीचे से। When अरहम reached वानियाज होम देयर वॉज नो डैश लेफ्ट, जब वो उसके घर पर पहुंची वहाँ पे क्या नहीं बचा था, केक। नेक्स्ट है अरहम forgot the dash at home, अरहम घर पे क्या भूल गई थी, वानियाज बर्थडे प्रेजेंट, वो वानिया का गिफ्ट अपने घर पर भूल गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रू और फॉल्स है, तो देखते हैं इनमें कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, अरहम यूज़ टू कीप हर मैगजीन्स एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर रीडिंग दैम, कह रहे हैं अरहम जो थी रसाले पढ़ने के बाद उनको एक जगह पर रख देती है, ये क्रॉस है, क्योंकि वो उसे पढ़ने के बाद फेंक देती थी। अरहम बॉट अ ब्यूटीफुल डॉल फॉर वानिया, कह रहे हैं उसने वानिया के लिए एक डॉल खरीदी, तो ये गलत है, क्रॉस है, क्योंकि उसने स्क्रैप बुक बनाई थी। नेक्स्ट है अरहम्स वार्डरोब वॉज वेरी टाइडी, उसकी अलमारी जो है वो कह रहे बहुत सलीके से उसने सफाई की हुई थी, तो ये क्या है, क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है अरहम कुड नॉट रिमेंबर वेयर शी पुट द ग्लू, अब उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ग्लू जो है वो कहाँ रखी है, तो ये टिक है।
आई एम गुड फाइन ओनली वन मैगजीन, कह रहे हैं उसको सिर्फ एक ही रिसाला मिला था, तो ये भी ट्रिक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, उन्होंने कुछ हमें यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनका एक एक लेटर मिसिंग है, तो वो कह रहे हैं कि उस लेटर को आप लोगों ने खुद लिखना है वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ PRE-ENT, तो क्या बन जाता है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S, तो क्या बन गया, प्रेजेंट। नेक्स्ट है वार्ड्रॉप, WARDROBE, वार्ड्रॉप, ठीक है। मैसी, MESSY, मैसी। टॉस, DOSSED, क्रॉल्ड, CRAWLED, क्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ग्रामर है, इसमें है कलेक्टिव नाउन, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी जगह या चीज़ का नाम है। और कलेक्टिव नाउन क्या है, जब बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक ग्रुप बनाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। क्या कह रहे हैं कि ये किस चीज़ का कलेक्टिव नाउन, किस में क्या क्या आता है, ग्रुप्स आते हैं डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों के, उसमें पीपल्स लोग हैं और एनिमल्स और जानवर हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स आर डिफरेंट फ्राम द नेम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स ऑफ दैट ग्रुप। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है हर्ड ऑफ काउज, हर्ड कहते हैं झुंड को, ठीक है। वो यहाँ पे गाय का एक झुंड, तो ये ग्रुप बन गया, तो ये किस में आ गया है, ये कलेक्टिव नाउन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे अ गैंग ऑफ थीव, चोरों का एक ग्रुप, ठीक है, गैंग। अब ये ग्रुप बन गया है, तो ये क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, कह रहे हैं कि फूलों का एक गुच्छा। अब ये जब बंच बन गया है, तो यहाँ ये भी ग्रुप की फॉर्म में हो गए, ज़्यादा फ्लावर्स हैं, ज़्यादा फूल हैं, तो ये ग्रुप बन गया है, तो ये हमारे किस में आ गया है, ये हमारा आ गया है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन इनके इन वर्ड्स को हमने इस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है। सबसे पहले हमारे पास है आई गिव माई मदर अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे बुके आएगा क्योंकि फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स है, तो यहाँ पे हमने, हमें पता है हमने क्या लगाना है, बुके, क्योंकि बुके जो होता है वो सिर्फ फूलों का ही होता है। आई डोंट वॉच ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशंस, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। आई फ्लीट ऑफ अ फ्लीट ऑफ शिप अराइव्ड एट द डॉक्स। अ गैंग ऑफ थीव्स स्टॉल अवे माई बैग। I fed a gaggle of geese, gaggle. The herd of horses runs very fast. यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी है ये आप लोगों की, जो हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको हमने ऑर्डर में करके ये वाले वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जर्म्स, GERMS, तो ये एक वर्ड हमें यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिजीज़, बीमारी, DISEASE, क्या बन गया ये, डिजीज़। नेक्स्ट है सॉप, SOAP, सॉप, ये भी वर्ड मिल गया हमें। नेक्स्ट है वर्म, गर्म, WARM। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर, तो ये भी इधर ही है, WATER, वाटर। नेक्स्ट है हाइजीन, HYGIENE, हाइजीन। क्लीन, CLEAN, क्लीन। हेल्थ, HEALTH, क्या बन गया, हेल्थ। जी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आपने अपनी नोट्स कॉपी पर भी इन्हें लिखना है और याद भी करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।